देवास से बीजेपी सांसद मनोहर उंटवाल ने कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह की पत्नी अमृता राय के बारे में अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है। गुरुवार को एक दिन के उपवास पर बैठे उंटवाल ने दिग्विजय सिंह की नर्मदा यात्रा पर निशाना साधते हुए उनकी पत्नी के बारे में शर्मनाक बयान दिया। उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह ने मध्य प्रदेश के लिए कुछ नहीं किया और दिल्ली से एक आइटम और ले आए। अरे हमारे दिग्विजय सिंह जी, ना लाज आए ना शर्म आए, तूने मध्य प्रदेश को कुछ नहीं दिया, दिल्ली से जरूर एक आइटम लेके आ गया। नर्मदा की यात्रा पर निकल गया शिवराज जी की देखा देख नकल करने। अब बेचारे साधुओं को लाल बत्ती दे दी, उनसे इनको तकलीफ हो गई, अब तुमको क्या तकलीफ है भैया। अरे ये धर्म आधारित देश है, धर्मों के बल पर शासन होता है, आपको मालूम नहीं है। अपने इस शर्मनाक बयान पर सफाई देते हुए बीजेपी सांसद ने कहा, मैं दिग्विजय सिंह की बहुत इज्जत करता हूं और मैं महिलाओं की भी इज्जत करता हूं। मेरे बयान को तोड़ा मरोड़ा गया, मैं उनकी पत्नी के बारे में बात नहीं कर रहा था। आपको बता दें कि कांग्रेस द्वारा संसद नहीं चलने देने पर गुरुवार को देश भर में बीजेपी ने उपवास रखकर विरोध जताया था। इसी दौरान मनोहर उंटवाल ने ये शर्मनाक बयान दिया। NMF News की रिपोर्ट।